अस्सलाम वालेकुम। मैं ये प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सुना हूँ गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुसी रिवर का, वो मैं बहुत 2 साल से मैं थोड़ा उसके पीछे थोड़ा बहुत जानकारी छुटाया है, कितना उतार है, कितना चढ़ावा है और बहुत सारी चीजें देखा उसमें। और 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट का सोच के डिजाइन करके रखा था। लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट में गया था तो कुछ फंड के लिए बोलने में मैं वापस आ गया। तो अब 1,50,000 करोड़ का फंड वापस कर रहे हैं ये लोग। इसके लिए सुनने के बाद मैं एक प्रोजेक्ट बनाया। इसमें मेरा कोई पॉलिटिक्स का या कोई कॉन्टैक्ट या कोई पैसे का या कोई नाम का मेरा इसमें कुछ है नहीं। ये जो प्रोजेक्ट में मेरे प्रोजेक्ट में खास खास मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ, 50,000 कार पार्किंग आएंगे और 20,000 बाइक पार्किंग आएंगे और इसमें हर स्टेशन में 300 इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेंगे। जैसा कोई आ रहा है और दूसरे स्टेशन पे उतरा और कहीं 10-20 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना है, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जाएगा, लेके वापस आएगा, रखेगा और वापस आएगा। और 400 प्ले ग्राउंड आएंगे और 2,500 ब्रिजेस आएंगे और 2 फास्ट ट्रेन आएंगे, 2 स्लो ट्रेन, ट्रेन बोले तो हैंगिंग ट्रेन बोलते हैं, स्काई बस भी बोल सकते हैं इसको, वो दो दो आएंगे हर मतलब फास्ट बोले तो 5-5 स्टेशन पे उतरेंगे और स्लो बोले तो हर 1 किलोमीटर पे रुकेंगे। और 18 लाइन का रोड आएगा, 9 इधर रहेंगे 9 इधर रहेंगे, 4 फास्ट रहेंगे जाने के, 4 फास्ट आने के रहेंगे और 5 स्लो रहेंगे जो सिग्नल वगैरह रहेंगे सब रहेंगे। इसमें मैं आपको एक खास बात बोलना भूल गया, अगर इसमें चोरी चकारी या कुछ लूटपाट या कुछ भी होती है तो इस पे इस पूरे प्रोजेक्ट में से आदमी बाहर ही नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जाने के पहले उसको पकड़ लिया जाएगा। हर एक इसमें हर एक मॉल में 60x60 का हम ऐसा उसमें सीसीटीवी और पूरा रूम्स रखे हैं कि हर एक किलोमीटर पे उसको मॉनिटर करेंगे। इसके लिए खास एक टीम रहेगी जिसको होम गार्ड बोला जाएगा, उसके से स्पेशली वो टीम रहेगी स्पेशली, मतलब कोई भी चोरी चकारी या कुछ भी लूटपाट छेड़ा छेड़ी लेडीज का कुछ ऐसा कुछ है ऐसा होगा ही नहीं, और होगा भी तो वो पकड़ा जाएगा 100% उसका ही है, क्योंकि वो गेट से बाहर ही नहीं निकलेगा। गेट से पूरे प्रोजेक्ट में हर एक किलोमीटर को 1-1 करोड़ रहेगा। ये मैं कुछ चीज जो और बताना चाहता हूँ आपको, ये इसमें 15,000 जो है शॉप जो आएंगे 20x40 के आएंगे और 8,000 स्टॉल आएंगे जो 10x10 के, जैसे पानी पूरी है जो है आइसक्रीम वगैरह जो के ऐसे छोटे छोटे स्टॉल आएंगे, सब छोटे लोगों को बड़े लोगों को हर जगह के लोगों को इसमें काम आएगा। और आईटी सेक्टर वगैरह वो जो है वो अलग है, जो लगाना है उसमें वो अलग है, इसमें इंक्लूड नहीं है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर लगाने से ये तो इसमें तो 2 लाख लोग का जॉब लगेगा, आईटी सेक्टर का आप जितना लगेंगे उतना जॉब आएगा, उतना वो आएगा जो भी है उसमें ये है। हर थिएटर मॉल में एक थिएटर वगैरह तो आएगा, 2 मॉक्स बड़े थिएटर आएंगे। अच्छा मैं और एक आपको इमली बस स्टैंड का इसमें जो है वहां पे 10,000 रूम्स का होटल बन रहा है, स्काइपर का मैं डिजाइन डाला हूँ। और इमली बस स्टैंड को जो है 2 जोन में डिवाइडेड करना है, एक रहेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और एक रहेगा साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, दो जगह। मतलब उसमें भी कैसा आएगा, प्राइवेट बस जो लग्जरी बस आते हैं और जो बाहर के बस आते हैं, मतलब हमारे हैदराबाद से बाहर के जैसे बस आते हैं वो सब बस और लग्जरी बस जो भी प्राइवेट बस वो दोनों बस स्टैंड पे उधर ही रुकेंगे, तो बीच में जो है अंदर हमारे हैदराबाद में जो है वो बस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है चाहे लग्जरी हो या बाहर स्टेशन की हो, क्योंकि उसके बाद में तो फैसिलिटी है, फुल फैसिलिटी है, फुल्ली फैसिलिटी है किधर भी जाने के लिए। और बहुत सस्ता टिकट होगा मेट्रो से, मतलब मेट्रो का 1 रुपये होगा तो ये टिकट आपको 30 पैसे में मिलेगा, इसका सिस्टम रहेगा। और हर एक मॉल में 2.5 लाख स्क्वायर फीट जगह रहेगी, ये कार्पेट एरिया, कार्पेट एरिया मतलब जितना उसमें दुकान डालेंगे शॉपिंग वगैरह सब जो भी रहेगा सब रहेगा। और इसमें थोड़ा सा क्या होगा, ये होने से थोड़ा मतलब पोल्यूशन भी थोड़ा सा हल्का कम होगा। और
कैप्सूल रूम, जैसा कोई एक आदमी आता है उसको रहना है वो कैप्सूल रूम, वो मैं समझता हूँ भाड़ा उसका ज्यादा से ज्यादा भाड़ा उसका 300 रुपए रहेगा पर नाइट। कितने रहेंगे वो? रहेंगे 10,000, वो भी 500 लेडीज के लिए रहेंगे, 500 जेंट्स के रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एकदम डिफरेंस अलग रहेंगे। एक स्टेशन पे 5,000 रहेंगे, एक स्टेशन पे 5,000 रहेंगे। ये मैं समझता हूँ चार मीनार के आसपास का ही जो है 17 नंबर 18 नंबर में स्टेशन पे ये हो जाएगा।